और मैं आपको बता दूं ये इंडिया में बैन हो गया है। तो अब आप सोचिए, ये ऐसी चीजें पे हम लोग बड़े इंटरेस्ट लेते हैं बड़ी जल्दी। सबसे पहले तो थोड़ा यही मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज़, कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो आ रहे हैं खदशात भी लोगों के जहन में, और फिर उसके बाद ये जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट, ये क्या है बेसिकली, इसकी कैसे अंडरस्टैंडिंग देंगे आप? जी, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना आपको माजी में क्या कि दुनिया की इब्तिदा हुई, तो जरा सा 2 मिनट लूंगा आपको समझाने के लिए। जब दुनिया में इब्तिदा हुई तो दुनिया में कोई करेंसी नहीं होती थी। कोई किसी के पास गंदम का खेत था तो किसी के पास जो है आम का खेत था, कोई जो है गाना गाने में अच्छा था, कोई जो है खाना पकाने में अच्छा था। तो दुनिया में जब अगर एक आदमी जो है गाना गाने में अच्छा था तो उसको खाना खरीदना था तो वो गंदम के बाटर खेत सिस्टम वाले थे। को जाके गाना सुना देता था तो उसके बदले उसको गंदम मिल जाती थी। तो वो बार्टर सिस्टम अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, बार्टर सिस्टम से जो है फिर जो है करेंसीज इशू होना शुरू हो गई। पहले करेंसीज मुल्की सतह पे नहीं होती थी, ये जो है बिजनेस टू बिजनेस सतह पे होती थी। यानी कि एक कोई बहुत बड़ा कारोबारी शख्स था तो उसने अपनी पर्ची बना के दे दी। आज भी अगर आप पंजाब वगैरह में कोई कारोबार की मंडियों में देखें तो चेक्स से ज्यादा जो है उन पर्चियों की कीमत होती है। पर्ची में लिख दिया जाता है ये फलां सेठ या फलां दुकानदार की पर्ची है और उसने 5 लाख रुपए देने, तो वो आप किसी और को दे दे तो पर्ची कैश हो जाती है। तो फिर उसके बाद हुकूमती सतहों पे करेंसीज बनी, सेंट्रल बैंक बने यानी स्टेट बैंक, मरकजी बैंक जिसे कहते हैं। फिर वो जो है वो जो जब उन्होंने करेंसीज बनाई थी तो उसको सोने के एवज बनाया था कि जितना जिस मुल्क के पास सोना होगा उतनी ही वो नोट छापे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज भी खत्म हुई जो है वर्ल्ड वॉर 2 3 के बाद ये IMF टाइप के इदारे बना दिए गए, वो जामिन बने और इस तरह से चीजें बनती गई तो करेंसीज आ गई मुल्कों की। तो हर दौर में जो है करेंसी ने अपनी शक्ल चेंज की है कहने का मतलब है बिल्कुल पंजाब का। साहब, और यहाँ वो पे प्लीज बिटकॉइन रुकिएगा में थोड़ा सा, इस पे मैं फर्दर आपसे लेती हूँ मजीद भी इन्फॉर्मेशन। लेकिन हिलाल साहब, आपको लग रहा है कि जिस तरह से एक इजारादारी सिस्टम है जिसका खुद मुजम्मिल साहब ने भी जिक्र किया, उसमें ऐसी कोई चीज पनप सकती है, आगे कोई फ्यूचर नजर आ रहा है आपको इसका? देखिए ये बेहतर जानते हैं ये क्या है, मगर मैं दो चीज़ें आपको बता दूं जिस पर मैंने बड़ा बहुत कसरली इसको स्टडी किया है। इसमें ज़बरदस्त एवेन्यू ऑफ करप्शन है। ओ हो, इसमें तो ज़बरदस्त करप्शन हो सकता है। और FATF जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टेड है इसमें। और मैं आपको बता दूं ये इंडिया में बैन हो गया है। तो अब आप सोचिए, ये ऐसी चीज़ें पे हम लोग बड़े इंटरेस्ट लेते हैं बड़ी जल्दी। चले आप ठीक बताएंगे ये है, साहब जो हैं, मैं सही मैं इनसे मैं जी बिल्कुल पूछती हूँ। इमरान साहब का भी क्वेश्चन है, वो भी अपना क्वेश्चन पुट करें। लेकिन इमरान साहब, आपको लग रहा है कि ये वाकई कोई ऐसी चीज़ है जो फौरन आगे चलकर कंट्रोल कर सकती है इस करेंसी के सिस्टम को? देखिए, इसके फ्रॉड के कई केसेस पहले भी सामने आ चुके हैं जो काफी बड़े स्कैंडल हैं, उन ठीक पे है। तो बात होगी बाद में। लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जो आपने माइनिंग की बात की, जिस तरह से मुजम्मिल साहब ने अभी बताया कि बड़े बड़े कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं तो उनके लिए ये इतने एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं कि हमारे जैसा मुल्क जहाँ पहले एनर्जी क्राइसिस है क्या मुतहम्मिल हो सकता है? वेरी अभी हमारे राइट। साथ ईरान है, ईरान में ये स्कैंडल हो चुका है, ईरान ने ये किया था तो वहाँ पे इतना वो क्राइसिस क्रिएट हो गया कि उन्होंने उससे हाथ खड़े कर लिए। तो क्या मुजम्मिल साहब आप समझते हैं कि हमारे जैसा एनर्जी क्राइसिस का शिकार मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है? देखें, हमारा ना अब जो है वो जो एनर्जी क्राइसिस था ना, वो एनर्जी सरप्लस में आपको अभी खुद ही तफसीलात मिल गई होंगी। ये जो हुकूमत का गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है, बिजली ज़्यादा वाफर है और बिजली इस्तेमाल करने के लिए जो है ना अब लोड शेडिंग भी नहीं होती, तो हुकूमत को जो है सर्कुलर डेट की जो है इजाफी पेमेंट देनी पड़ती है जिसे कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं इन बिजली घरों को, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। तो ये एक अपनी एक्सेसिव बिजली को इस्तेमाल करना। दूसरा, ये जो ये आप देखेंगे सुबह सरद की सूबाई हुकूमत ने फैसला किया, वफाकी हुकूमत का फैसला नहीं है। केपी सुबह सरद आपको पता है खैबर इट्स अ पख्तूनख्वा रिसोर्स मुजम्मिल साहब। रिच, खास तौर पे आबाई रिसोर्सेज, पानी बहुत है वहां पे। तो वहां पे ये है डिफरेंट पॉइंट्स पे आप जो है वो क्या कहते हैं टरबाइन कहते हैं, वहां से आप बिजली उससे पैदा करके इसकी माइनिंग के ठीक, लिए एक तो आपको पायलट लगता है प्रोजेक्ट कि कर इसमें सकते हैं। एनर्जी का कोई अच्छा, इशू नहीं है, लेकिन ये जो फ्रॉड और करप्शन और रिस्क फैक्टर है, कितनी इन्वेस्टमेंट सेफ है इसमें, इस पे जरा प्लीज बताइए भी। मैं ये जो हिलाली साहब ने बात की है ये इसमें बहुत दम दम है।
इस वक्त ये जो है, जैसे मैंने कहा कि इसका कोई माए बाप नहीं है, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, यानी कि इसके पीछे कोई रेगुलेटर नहीं है, किसी के पास इसका डाटा नहीं है। तो इस वक्त ये जो दुनिया में करप्शन का, ड्रग का, टेररिज्म का, इसमें पैसा पार्क करना बहुत आसान है। और एक आपको डिजिटल कोड मिल जाएगा, उसमें आप मिलियंस ऑफ डॉलर संभाल के रख सकते हैं, यानी कि कोई आपको ट्रेस नहीं कर सकता कि आपने वेल्थ कहां पे छुपाई है। और इसके जो गाग भी है दुनिया में, जो बड़े बड़े जिसे कहते हैं माफियाज भी कह लें, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी कह लें, जिन्होंने वेल्थ आगे पीछे, पॉलिटिशियंस, उनके लिए एक सेफ हेवन है। अरफीन की तादाद में नया इजाफा देखने में आया था। अब उसी तरह जनवरी में उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के हैशटैग का इजाफा कर दिया था, बायो में लिख दिया था उन्होंने हैशटैग बिटकॉइन। तो इस करेंसी की कदर में नया इजाफा देखने में आया है। अब इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने ऐलान किया है कि जनवरी 2021 में इसने बिटकॉइन में 1.5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की है, और इस ऐलान के नतीजे में बिटकॉइन की कीमत में 8 फरवरी को 10% से ज्यादा इजाफा देखने में आया, वो रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। और 8 फरवरी को इस ऐलान के बाद बिटकॉइन की जो कीमत थी वो 43,625 डॉलर या 650 डॉलर के लगभग वो पहुंच गई है। कीमत उसकी 70 लाख तकरीबन पाकिस्तानी रुपए एक बिटकॉइन की कीमत हो चुकी है। और ये बिटकॉइन जो है वो बस कभी को खरीद लेते तो अच्छा होता, हमने तो उस पर ध्यान ही कोई नहीं दिया। अब वो एक शख्स जो बार बार ध्यान दिला रहा था इस पर, वो हमारे साथ आज मौजूद है प्रोग्राम में, वकार जका साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक है वकार साहब। ये आपने इतना ध्यान दिलाया लोगों का, कह के लेकिन कोई ना सुनी ना, किसी की कान पे जू ना रहेंगी। अब हमें ये बताएं कि मैं डॉलर क्यों ना लूं, लोगों को जरा ये समझाएं कि मैं डॉलर क्यों ना इन्वेस्ट, डॉलर्स में क्यों ना इन्वेस्टमेंट लूं, मैं क्यों ना डॉलर खरीदूं और मैं बिटकॉइन क्यों खरीदूं। सबसे पहले तो देखें, आप ही के शो में 2018 में आई थिंक मैंने ये कहा था कि 7 लाख रुपए का बिटकॉइन है, और इसका एक मैकेनिक्स के थ्रू मैंने हर पॉलिटिशियन को चैलेंज किया था कि आप सिर्फ बात सुन लें। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेकुलेटिव मार्केट में आप पैसा लगाएं, सट्टा खेलें और पैसा निकाल लें। अगर आप बात मान लेंगे चाइना के कर्जे और ये सारे कर्जे मैं उतार दूंगा, तो सबने कहा यार अटेंशन सीकिंग पब्लिसिटी स्टंट, क्या यार तुम ये बात कह रहे हो। मैंने कहा मैं एज अ रिसर्चर आपको सारे पॉलिटिशियन को चैलेंज कर रहा हूं जो हमारे टैक्स के पैसे पे आपके शोज में आके जुगतबाजी करते हैं, जी इसने चोराई की, इसने चोरी की, भाई आइडिया दो ना। वकार जका ने एक आइडिया दिया, आज वो पूरा हो गया, अब आप आइडिया दें। मैं इमरान खान साहब से अभी रिक्वेस्ट करता हूं, हम हालत जंग में है, आज अगर असद उमर की ना अहली की वजह से, आतिफ मियां जैसे लोगों की ना अहली की वजह से जो आपको समझाते रहे नहीं जी नहीं बिटकॉइन ठीक नहीं है, अरे हमने कब बोला इसमें पैसे लगा के डबल शाह बन जाओ, यहां अभी करना क्या था स्टेट बैंक वगैरह उस वक्त, करना क्या था? अगर आपकी बात मान ली जाती तो फिर करना क्या था, एकदम क्या होता गवर्नमेंट? सबसे पहले पाकिस्तान की अपनी क्रिप्टो एक लॉन्च होती, पाकिस्तान की अपनी क्रिप्टो लॉन्च करने के लिए 10up.io के नाम से एक प्रोजेक्ट और एक एनडी यूनिवर्सिटी की टीम मैंने बनाकर दी इनको। मैंने कहा जी ये लॉन्च करें, ये लॉन्च करके जो आज इस वक्त सेविंग सर्टिफिकेट ने धरना दिया हुआ है, हड़ताल की हुई है, बूढ़े बूढ़े लोग खड़े हुए हैं जो अपनी पेंशन के पैसे नहीं निकाल सकते, प्रॉफिट के पैसे नहीं निकाल सकते, क्यों जी? हुकूमत के लोगों ने एहतजाज किया हुआ है वहां पर जी, क्यों किया हुआ जी? कि बस हमें रखना नहीं यहां पर। लोग पैसा निकाल निकाल के अब जो बिटकॉइन में लेके जाएंगे वो अनडॉक्यूमेंटेड होगा, ब्लैक मार्केट ग्रो करेगी, स्टेट बैंक इनके अकाउंट नहीं खोल रही। इसका मतलब इस वक्त पाकिस्तान के ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, हमजा शहबाज साहब का अगर आप चेक करें बिटकॉइन का वॉलेट तो मजा आ जाएगा आपको, राणा सनाउल्लाह साहब का जाके चेक करें, उनके भाई का चेक करें तो मजा आ जाएगा आपको।